तो हाँ सभी मित्रों, आप सबका स्वागत है धाकड़ न्यूज में। ठीक है, आज शुरू करता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का ये पार्ट टू था। पार्ट टू का अध्ययन करेंगे। ये तो कहीं और पीडीएफ निकालता हूँ। हाँ उसको यहाँ से पास कर सकते हैं। हाँ तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट टू शुरू करते हैं आज से। यहाँ से पढ़ना था हम लोग को। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि ब्रिटिश यूरोपियन भारत में आते हैं। 1498 में पहले वास्को डी गामा आता है, और उसके बाद वो 3 बार भारत में आता है, 1502 में, 1498 के बाद 1502 में, और एक 1524 में। 1524 में तो वो वायसराय तक बन जाता है पुर्तगालियों का। पुर्तगाल का जो राजा था, उन्हें ये वास्को डी गामा को भारत का वायसराय बना के भेजता है। और 3 राजदूत का नाम पढ़ना था जो इम्पोर्टेंट थे, खास करके वायसराय कहाँ का, पुर्तगाल का। पुर्तगाल वाले 3 प्रोमिनेंट वायसराय थे। पहला फदा, अल्मेडा, फदा था ना, फ्रांसिस्को दी, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, फिदा था, अल्फांसो फिदा। दूसरा अदा, डी अल्फांसो अल्बुकर्क, डी अल्बुकर्क। और तीसरा था नेनो दी कुना, एनडीसी, नेनो दी कुना। तो क्या आप सबको याद है 3 प्रोमिनेंट वायसराय जो पुर्तगाल के थे? एक थे फिदा, एक था अदा, और तीसरा था एनडीसी। एनडीए नहीं, एनडीए कांग्रेस नहीं करना है, ये एनडीसी था, नेनो दी कुना। 3 प्रोमिनेंट थे। ठीक है, ध्यान रहे ये तीनों का नाम, पहला फिदा, अदा और एनडीसी, और एक प्रोमिनेंट और था वास्को डी गामा 1498 में। और ध्यान रहे 1498 में ही मीराबाई का जन्म हुआ था। वही मीराबाई जो कृष्ण की भक्त थी, अपने आप को कृष्ण की सहेली मानती थी, सखा मानती थी, सहेली, सहेली। ओके, सखा मतलब दोस्त होता है, सहेली मतलब। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के धाकड़ न्यूज के साथ। आ जाओ सारे बैठ जाओ, शुरू करता हूँ आज का। वहां से आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग शुरू कर दिए थे कि ये पुर्तगालियों के बाद ब्रिटिश आ चुके थे भारत में। ब्रिटिश ब्रिटिश का आगमन हो चुका था 1600 में, लगभग 1600। हाँ तो शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग पिछले क्लास में पुर्तगालियों का भारत में आगमन करवा चुके थे। 1498 में वास्को डी गामा आता है, उसके बाद वायसराय बना करके 1505 में फिदा को भेजा जाता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और उसके बाद अदा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और तीसरा एनडीसी, निनोदी कुना। लगभग 1530 के आसपास भेजा जाता है इसको। 1530 से 1538 तक। हाँ तो यहाँ के बाद आगे शुरू करते हैं कि किस तरह से पुर्तगालियों ने भारत में पिपड़ी बजाई। भारत में पुर्तगालियों ने जो पिपड़ी बजाई थी, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेज अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाहते हैं। तो वहां से आगे बढ़ते हैं। फेज वन था एंट्री ऑफ ब्रिटिश एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ पुर्तगीज, अंग्रेजों का भारत आगमन और पुर्तगीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा। तो 1599 में ट्रेडिंग ग्रुप एक था, इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग ग्रुप 1599 में, द मर्चेंट एडवेंचर ईस्ट इंडिया कंपनी, जॉन कंपनी नाम था उसका। उसको 1599 में जाती है ब्रिटिश क्राउन के पास, क्वीन के पास, और बोलती है कि हमको परमिशन दे दीजिए, मैं भारत में व्यापार करना चाहता हूँ। तो 1599 में क्वीन मना कर देती है। वहां की जो महारानी थी ब्रिटेन की, या इंग्लैंड की, या अंग्रेज की जो महारानी थी, वो बोलती है कि नहीं, वहां तुमको व्यापार करने का ऑफर नहीं दे सकते हैं, व्यापार करने का परमिशन नहीं देते हैं, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्पेनिश जो स्पेन बगल में है, रास्ते में पड़ता है, और उन लोग व्यापार कर रहे हैं, उन लोग साथ कॉन्फ्लिक्ट चाहते नहीं है। तो 1599 में मना कर देती है कौन, क्वीन, क्वीन मना कर देती है इंग्लैंड की। फिर 31 दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर पास होता है, और क्वीन जो थी, जो मना कर रही थी 1 साल पहले, वो बोलती है कि जाओ 15 साल के लिए तुमको व्यापार करने का मौका दे रहे हैं, जाओ जाकर जी लो अपनी जिंदगी, जाओ सिमरन। तो जो जॉन कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाती है, व्यापार करने के लिए भारत आती है। तो रिन्यू लेटर, फिर 1609 में जो महारानी थी, वो इस लेटर को रिन्यू कर देती है हमेशा के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए। बोलती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जाओ, तुम हमेशा के लिए अब व्यापार कर सकते हो, तुम्हारे पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 15 साल 20 साल का ही लाइसेंस है, तुम जब तक चाहो तब तक व्यापार कर सकते हो। उसी समय भारत का जो राजा था, उस समय मुगल वंश चल रहा था, 1526 में वो आ चुका था, क्या बाबर, बाबर के बाद हुमायूं आ चुका था, और हुमायूं 1555 या 56 में मर जाता है। उसके बाद उसका बेटा अकबर राज कर रहा होता है 1605 तक, 1605 में वो मर जाता है, क्या कहते हैं, अकबर। अकबर जैसे ही मरता, उसी समय उधर ब्रिटिश
का जो गेम था चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी, 1599 में बना करती है वहां की महारानी, और 1600 में परमिशन दे देती है 31 दिसंबर 1600 को, मतलब 1601 समझ सकते हैं, 1601 में शुरू होता है उन लोग का व्यापार भारत में। तो उस समय यहाँ के राजा जहांगीर थे, 1605 से 1628 तक रहते हैं, और 1609 में अनलिमिटेड टाइम के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अवसर मिल जाता है, ऑफर मिल जाता है। तो उसमें पुर्तगीज के साथ ये मुगल में जहांगीर थे, जहांगीर का अच्छा खासा बनता था, इतना अच्छा संबंध था कि जहांगीर तो एक समय आया था कि जहांगीर अपना धर्म परिवर्तन करने वाले थे, वो क्रिश्चियनिटी को अपनाने वाले थे, इतनी अच्छी घनिष्ठता हो चुकी थी पुर्तगालियों के साथ, और पुर्तगाली धर्म परिवर्तन भी करवाते थे। तो 1605 से 1628 तक मुगल में जहांगीर राजा रहते हैं, उसी समय उन लोग ट्रेडिंग पोस्ट स्टार्ट करते हैं, और 1609 के आसपास कैप्टन विलियम हॉकिंस वाज सेंट टू जहांगीर, जो कैप्टन विलियम हॉकिंस से वो जहांगीर के पास जाते हैं परमिशन के लिए कि हम लोग व्यापार करना चाहते हैं, हम अपनी महारानी से पूछ चुके हैं, वो बोली हैं कि जाओ व्यापार करो, वहां के राजा से परमिशन ले लो, तो हम आपके पास परमिशन लेने आए हैं कि हम भारत में व्यापार कर सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसमें 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब कि 24 लोग मिलकर के कंपनी का निर्माण कर रहे थे, जैसे ओइकोस के 4 फाउंडर हैं, सत्या राव, सीमा राव, कल्पना राव, सत्यवंत यादव, तो ये 4 फाउंडर हैं ओइकोस के। उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के 4 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, जैसे ओइकोस के 4 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, सत्या, सीमा, कल्पना, सत्यवंत, सत्य, सत्या, सत्य, सीमा, सत्य, सत्यवंत, एक कहां से तो की घुस गया इसमें। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, जो भी फैसला लेना होता था सब मिलकर के आपस में बात करके और तब डिसीजन ले सकते थे, मतलब कोई एक मालिक नहीं था, 24 मालिक थे। ठीक है, फोकस ऑन इंडोनेशिया एंड मेन लोग का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फोकस था ना, वो इंडोनेशिया और इंडिया पर था, मेन फोकस इंडोनेशिया और इंडिया पर था कि इंडिया में और इंडोनेशिया में व्यापार करना है। 1608 में ट्रेडिंग पॉइंट एट सूरत, सूरत में एक ट्रेडिंग पॉइंट स्थापित करती है कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेडिंग पॉइंट, ठीक है, व्यापारिक केंद्र स्थापित करती है, फैक्ट्री नहीं बनाई है, 1608 में सूरत में व्यापारिक केंद्र बनाती है। ठीक है, और वांटेड टू एक्सपेंड वेस्ट, और चाहते थे कि और जगह वेस्ट बना ले, एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिए। और एक्सपेंड करना चाहते हैं हम लोग। 1607 में क्या होता है ना कि तीन वो बोट स्टार्ट करता है, तीन वो समुद्री बोट स्टार्ट करती है भारत की तरफ आने के लिए, और तीनों का नाम था, एक का नाम था रेड ड्रैगन, द कॉन्सेंट और हेक्टर, यही हेक्टर, इसी पे विलियम सवार था, विलियम हॉकिंस और विलियम कैनिंग, ये दो थे प्रोमिनेंट, और किनिंग जो थे ना वो बोटे पर रुक जाते हैं, वो बादशाह थे, मतलब बोट के, द हेक्टर बोट था उसके बादशाह थे विलियम किनिंग, बोलते हैं हॉकिंस से कि जाओ जाओ बेटा बात करके आ, देख तो क्या बोल रहा है, वो खलासी था, खलासी हॉकिंस था। ठीक है, और विलियम हेक्टर जो था, विलियम किनिंग जो था वो एक तरह से ड्राइवर था और ट्रक का, ठीक है, और खलासी रहता है ना, उस तरह से विलियम हॉकिंस उसके खलासी थे, तो बोले कि जाओ देख कर आओ, तो खलासी जाता है बात करने। विलियम हॉकिंस और विलियम किनिंग दो दो प्रोमिनेंट उस पे बोट पे जो कमांडर थे, बोट के जो कमांडर थे, एक उप कमांडर थे। तो हॉकिंस डिसाइडेड टू लैंड डिस्कस विद द मुगल ऑफिसर मुबारक खान, हॉकिंस जो था ना वो जाता है और वहाँ पे गुजरात के पास लैंड करता है, और हॉकिंस डिसाइड करता है कि यहाँ के जो सुल्तान का मतलब मुगल बादशाह का जो यहाँ उसका जो सहयोगी है उससे बात करते हैं, उसका नाम था मुबारक खान, और मिलता है उससे, मुबारक खान से मिलने के बाद बात करता है कि हम लोग व्यापार करना चाहते हैं, मेट विथ हॉस्टिलिटीज कॉन्फिस्केशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड गिफ्ट, गिफ्ट वगैरह भी देता है, हॉकिंस छीन लेता है वो, मुगल मुबारक खान ना उससे गिफ्ट वगैरह जो था ना, वो कहता है कि हम मुगल बादशाह जहांगीर को गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं, तो बोलता है कि ठीक है दे देना, दे दो मुझे, वो धोखे से छीन लेता है जितने भी गुड्स और गिफ्ट वगैरह थे ना मुगल बादशाह के लिए, जहांगीर के लिए, वो सब छीन लेता है। हॉकिंस रियलाइज फॉर ट्रेडिंग परमिट, हॉकिंस रियलाइज करता है, ऐसा महसूस होता है उसको कि अगर ट्रेडिंग परमिट चाहिए हमको, ट्रेड करना है भारत में, और खासकर कि ये सूरत वाले इलाकों में, तो हमको महाराज का परमिशन जरूर लगेगा, अगर महाराज तोहफा कबूल करते हैं तभी हम यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे, तो उसके लिए उससे पहले महाराज से मिलना होगा। तो महाराज के पास जाता है,
मुगल बादशाह उस समय जहांगीर थे, 1605 से 1628 तक मुगल बादशाह जहांगीर रहते हैं, तो जहांगीर के पास जाना चाहता है हॉकिंस। 1 फरवरी 1609 को शुरू करता है जाना, डिसाइड करता है कि अब तो बादशाह के पास जाते हैं, क्योंकि मुबारक खान इसको टहलाते रह रहा था और इसे जितने भी गिफ्ट वगैरह थे वो छीन लेता है। कौन? मुबारक खान। कहाँ का था? गुजरात का था। गुजरात का एक सूबेदार था, सूबेदार था वो मुगल बादशाह का, मतलब जहांगीर का सूबेदार था, एक सहयोगी था, जो हॉकिंस से जितने भी गिफ्ट थे महावीर जहांगीर के लिए, हॉकिंस से जितने भी गिफ्ट थे वो ले लेता है। 1 फरवरी 1609 को हॉकिंस डिसाइड करता है कि हम लोग, हमको अब आगरा जाना चाहिए, यहाँ से काम नहीं बनेगा, हम आगरा जाएंगे तब हमारा काम बनेगा। तो लेकिन जाते समय, सूरत से आगरा जाते समय एडवेंचरस जर्नी रहती है, बहुत एकदम भयावह, क्या कहते हैं, रोमांचक, मजा जाता है उसको, मौज करा देते हैं लोग रास्ते में, जो भी मिलता है अपनी औकात दिखा देते हैं, बिट्टू जैसा कि तुम मेरी गली में आ जाओ तो तुम्हारी औकात दिखा देंगे, जैसे वो बोलता है एक बच्चे को बिट्टू कि दोबारा कल दिखना मत 5:30 बजे से पहले। तो ऐसे ही कुछ जर्नी होती है कि मेरे इलाके में आए हो, ये मेरा गांव है तो यहाँ मेरी चलेगी, यहाँ कौन जहांगीर और कौन मुगल ये कोई नहीं जानता, यहाँ पे यहाँ का बादशाह मैं हूँ, भले ही आ जाएगा तो अगर मुगल बादशाह सामने दिख जाए तो उसकी फट जाएगी, पर अभी है नहीं। तो जितने नहीं कहा जाता है, वो कहावत है कि सभी कुत्ते अपने घर के सामने शेर ही बन जाते हैं, वही है, वही हाल बिट्टू वाला है, अपने घर के सामने वो भी शेर बनने की कोशिश किया। तो हॉकिंस को जाते समय बहुतों ने लूटा, मजे लिए, मौज करा दिए बच्चे की। अप्रैल में 1609 में वो पहुंच जाता है आगरा, फाइनली वो पहुंच जाता है, पर गिफ्ट तो सब छीन चुके थे, उसके पास बचा नहीं गिफ्ट जहांगीर को देने के लिए, और पुर्तगीज पहले से ही वहां पे थे, अपना गेम बना के बैठे हुए थे कि इसको किसी तरह से एंट्री नहीं करने देना है, क्योंकि अगर इसकी एंट्री होती है तो हमारी जो पावर है वो शेयर करना पड़ेगा, हम जो एकाधिकार बना के रखे हुए व्यापार पे वो चला जाएगा किसके पास, अंग्रेजों के पास। तो लेकिन ये जो था ना, ये हॉकिंस थोड़ा सा नाक था, वो 2,50,000 गोल्ड कॉइन लेके आया था, उतना चोरी डकैती किया गया बीच रास्ते में, सबने उससे रंगदारी वसूल ली, फिर भी 2,50,000 बड़े रंगदार के लिए, मतलब बड़े लुटेरे के लिए रखा हुआ था, 2,50,000 गोल्ड कॉइन रखे हुए था जहांगीर के लिए। और फ्रॉम किंग जेम्स एड्रेस कहता है कि जो 2,50,000 गोल्ड कॉइन है ना, ये महाराज, हमारे जो महाराज है ना वो आपके लिए भेजे हैं, किंग जेम्स जो हमारे महाराज हैं वो आपके लिए 2,50,000 गोल्ड कॉइन भेजे हैं, इसे आप रख लें, तोहफा कबूल करो महाराज। तो इस तरह से जहांगीर को तोहफा देता है, 2,50,000 गोल्ड कॉइन देता है, पर उससे जहांगीर ना कन्विंस नहीं होता है, बोलता है क्या बच्चों की तरह गिफ्ट दे रहे हो 2-4 रुपया, थोड़ा काम की बात करो, थोड़ा व्यापार में मुनाफा वगैरह कुछ है वैसा तो दिखाओ, तब ना कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बताओ जिससे हमको भी कमाने का, हमको भी टैक्स वगैरह ज्यादा कलेक्ट करने का मौका मिले। हॉकिंस रियलाइज दैट एवरीथिंग डिपेंड ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ जहांगीर। हॉकिंस को समझ में आ जाता है कि अगर किसी तरह से जहांगीर को मना लेते हैं तभी हमारा काम बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पहले से ही पुर्तगीज अपना झंडा गाड़ के रखे हुए, अपना अधिकार जमा के रखे हुए हैं, वो चापलूसी करते हैं महाराज की, चापलूस बने बैठे हैं, तो तब जब तक हम इनके चापलूस नहीं बन जाएंगे तब तक ये यहाँ तो दाल गलने वाला है नहीं। फिर 24 अगस्त 1608 को एंट्री ऑफ विलियम हॉकिंस हेक्टरशिप एंड कोर्ट ऑफ जहांगीर, ये तो देख लिए, 24 अगस्त को पहुंच जाता है हॉकिंस वेंट टू आगरा, 1609 में आगरा पहुंच जाता है द इंग्लिश खान, और उसको जो जहांगीर ने एक टाइटल देता है इंग्लिश खान, उसे भी वो जो वो उन लोग चाह रहा था, अंग्रेज चाहते थे कि जहांगीर को क्रिश्चियन बना दें, पर जहांगीर उसको अपने धर्म में ढालने की कोशिश करता है, उसको इंग्लिश खान का टाइटल देता है। ये 1609 में पहुंचता है आगरा और 2 साल तक रहता है, 1611 तक रहता है वहां पे, कहां पे 1611 तक रहता है आगरा में जहांगीर के पास। 2011 में पता है ये ऐश्वर्या राय थी ना, ऐश्वर्या है ना उसकी बेटी, उसका जन्म हुआ था 2011 में। तो सीक परमिशन टू ओपन फैक्ट्री, ये 1611 में उसको परमिशन मिल जाता है फैक्ट्री खोलने की, जाओ बेटा जाओ तुम भी व्यापारी केंद्र खोल लो, कहां पे सूरत में, परमिशन ओपन फैक्ट्री, इनिशियली डिनाइड, बट ये इनिशियली जो जहांगीर है ना मना कर देता है, स्टार्टिंग में बोलता है कि नहीं ये सब बकवास है, कहा ये सब चक्कर में पड़े हुए हो, नहीं होगा तुम्हारा यूपीएससी प्रीलिम्स, प्रीलिम्स फॉर्म भी नहीं भर पाओगे, तुम्हारा डाउनलोड ही नहीं हुआ एडमिट कार्ड एग्जाम देने के दूर के बाद। तो फिर जब ये बताता है कि देखिए हम तर्किश भी जानते हैं,
तो खुश होकर के जहांगीर बोलता है कि अरे तर्किश भी जानता है, हमें तो पता नहीं था, तुमको तो प्री, तुम प्री का मेंस तो आराम से लिख लोगे तुम, एक बार देख कर देखो। तो फिर इसके भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं और कहता है ठीक है फॉर्म भर ही देता हूँ, एटलीस्ट एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हो ही जाएंगे। इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए, अच्छी खासी चल गई और पास भी हो जाता है। उसे लगता था जहांगीर की जिस तरह से पुर्तगालियों की बार बार प्रीलिम्स फेल हो रहे हैं ना, उसी तरह से ये यूपी ये भी अंग्रेज भी फेल हो जाएंगे। पर उसे नहीं कहाँ पता था कि किसके माथे पे क्या लिखा हुआ है। पर इनका जो प्रीलिम्स भी पास होते हैं, ये फॉर्म भी भरते हैं, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होता है और मेंस भी लिखते हैं, मेंस भी लिखते हैं और इंटरव्यू, बड़ी बात की इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू भी पास हो जाते हैं और फिर शासन करने का मौका भी मिलता है। तो जहांगीर आगरा में रहता था, पुर्तगीज के साथ अच्छा रिलेशन था, इतना अच्छा रिलेशन था कि एक दिन डुबकी लगाने भी चल दिया था। डुबकी लगाने का इनसेंस मतलब होता है क्रिश्चियनिटी में, अगर क्रिश्चियन बनना है ना कोई और धर्म के हो ना, तो दो बार डुबकी लगाओ और बोले हालेलुया। दो बार डुबकी लगा करके हालेलुया बोलते हो ना तो फिर तुम क्रिश्चियन बन जाते हो। डुबकी लगाओ और हालेलुया, फिर डुबकी लगाओ हालेलुया, उधर से निकलते हुए जय श्री राम। अब पता चले कि तुम्हारे अंदर का राम गया ही नहीं। दो बार डुबकी लगाया, हालेलुया के जगह जय श्री राम, राधे राधे राधे। जो हाल करेंगे अंग्रेज तुम्हारा। कैसा क्रिश्चियन बने हो बे, अंग्रेज बोलेंगे कैसा क्रिश्चियन बने हो बे तुम, इधर से हालेलुया उधर से जय श्री राम आ रहा है। ये तो रंगा सियार की तरह हो गया, ऊपर से रंग दिए, मन न रंगाया रंगाया खाली कपड़ा। हाँ, रंग पोत के एक बार क्या हुआ ना कि एक आदमी था तो अपने कुत्ते को लेकर के साथ गली में जा रहा था, तो एक ऊपर से छत से उसका पड़ोसी देखकर बोलता है कि आपका कुत्ता शेर की तरह लग रहा है। तो जो आदमी वहां कुत्ता को लेकर घूम रहा था ना, तो वो बोलता है ना कि अभी क्या बोल रहा है, शेर ही कुत्ता हो गया है मेरे घर। वही स्थिति हो जाएगा कि इधर से क्रिश्चियनिटी उधर से जय श्री राम, पता चले आदमी जय श्री राम बोलना शुरू कर दीजिए क्रिश्चियन बनाने आया। अच्छा हुआ ऐसा कि परमिशन तो मिल गया इसको कि चलो ठीक है तुम पश्चिम घाट जो है, पश्चिम घाट मैंने बताया है कि यहाँ पे इस पे फैक्ट्री खोल लेना है ना, लेकिन ये जो पोर्तुगीज वहाँ पहले से ही थे पश्चिम घाट पे, जैसे कि पता होगा पोर्तुगीज में वास्को डी गामा यहीं पे आया था कालीकट में, तो बोला कि ये ठीक पिपड़ी नहीं बज रहा है तुम्हारा, तो ये तो झगड़ा होना तय था कि तुम ये मेरी गली है और तुम 5:30 में क्यों आ जाते हो, जबकि क्लास तो 6 बजे आता है, मैं तो 6:30 बजे खुद आता हूँ, तो ये तो झगड़ा होना तय था। जब झगड़ा हुआ तो मालूम भी चला कि जहांगीर को, जहांगीर इन दोनों का पिपड़ी बजाया, बोला बेटा इधर मैं किंग है ना, हाँ तो होश में रहो थोड़ा। अब जब ये पिपड़ी बजा तो 1611 में बैटल ऑफ स्वाली होल हुआ, और बैटल ऑफ स्वाली कहाँ है, स्वाली में सूरत के नज़दीक है और सूरत है गुजरात में। अपनी जो औकात थी ना, पुर्तगीज जो अपना वर्चस्व बना के रखे थे उसको हिला के रख दिया स्वाली ऑफ बैटल ऑफ स्वाली में, क्योंकि इसमें ना जो पुपड़ी बजा के रखे हुए थे ये अंग्रेजों क्या कहते पुर्तगीज आसपास के लोगों के साथ अपना जो कैबराल मारा था ना वो धुआं धुआं कर दिया था मार के, तो उसका जो पुपड़ी था ना वो बच गया, क्योंकि ये वो उन लोग 10 मारा था तो इन लोग 20 मार दिए। तो जहांगीर के कोर्ट में जो आया था ये क्या कहते नाम है इसका, हॉकिंस, विलियम हॉकिंस और विलियम किलिंग, और इसके साथ और भी बोट थे, 3 रोड का बोट का तो नाम बताया था, रेड ड्रैगन, कंसेंट और हेक्टर, हेक्टर, ये जो तीनों थे ना एक एक करके पीछे से सपोर्ट बैक सपोर्ट में लेके आ गया। जैसे ही लगा कि गोला बारूद खत्म होने वाला है तो सेकंड जो रेड ड्रैगन था वो आ जाता है, वो फिर से धुआं धुआं कर देता है। तो बैटल ऑफ स्वाली जो था उसमें पुर्तगीज को अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं, पुर्तगीज ही नहीं थे, पुर्तगीज के साथ गुजरात के जो था ना मोहम्मद क्या नाम था उसका, गुजरात जो था उसकी मुबारक खान, इंग्लिश खान का टाइटल तो हॉकिंस को मिला था, तो मुबारक खान था और ये इंग्लिश अंग्रेज थे, ये सब पुर्तगालियों के साथ झगड़ा होता है स्वाली में और अच्छी खासी धुलाई हो जाती है किसकी, पुर्तगालियों की। ठीक है आगे बढ़ता हूँ, हाउ एंड वाई द बैटल ऑफ स्वाली, क्यों और कैसे हुआ था, बैकग्राउंड टू द बैटल ऑफ स्वाली, बैकग्राउंड क्या था। तो 1583 में एक रॉल्फ फिच करके पुर्तगीज, रॉल्फ फिच नाम का एक व्यक्ति था जिसको इराक में
जिसको इराक में पुर्तगीज ने कैप्चर कर लिया था, मनो पकड़ लिया, स्पाइंग करता था वो। और सोचो कि वो स्पाई है, पता है कि स्पाई है, स्पाई मतलब जासूस होता है, जासूस है, और उसको पकड़ के उन गोवा में। और किसी तरह से वो इतना मस्त किस्म का स्पाई था कि वो एस्केप कर जाता, भाग जाता है गोवा की जेल से, भाग जाता है। और भागने के बाद देखो उसका ढिठाईपन देखो, या कॉन्फिडेंस देखो उस बंदे का, कि भागता तो है, पता है कि गोवा में कैप्चर करके पुर्तगीज रखे थे इराक से लाके, पर भागने के बाद वो जेल से भागता है, उस जगह से नहीं भागता, पूरा भारत घूमता है, मजे लेता है 4-5 साल। और फिर 1591 में इंग्लैंड वापस जाता है, और वहां जाके वहां के राजा को और जो व्यापारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी जो खोलने वाले थे उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है, बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन देता है कि देख वहां पे कैसे शासन चला रहे हैं पुर्तगीज, और कैसे 60 गुना मुनाफा कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हो। अब इसी समय 1583 में एंट्री ऑफ डच प्रिस्ट, डच का जो प्रिस्ट था यानी पादरी था, जैन ह्यूजेंस वैन लिंचेस्टन, एक प्रिस्ट था यानी पादरी था, जैन ह्यूजेंस वैन लिंचेस्टन, वो गोवा आता है और 1583 से 1588 तक 5 साल यहाँ पे रहता है, और एक किताब लिखता है, और उस किताब में ना पुर्तगीज की धजिया उड़ा के रख देता है, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे उन सब की एक कॉपी बनाता है और अच्छे से एक्सप्लेन करके अंग्रेजों को पकड़ा देता है। जहांगीर शिवालिक के युद्ध के बाद रियलाइज करता है कि अरे ये भी इनमें भी दम है, ये यूपीएससी का मेंस तो लिख ही सकते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं हुआ तो प्री तो आराम से एग्जाम दे सकता है, बैठ सकता है, डाउनलोड हो जाएगा, इन लोग के पास आधार कार्ड है, ठीक है, और इन लोग का 21 साल भी पूरा हो गया है, ग्रेजुएशन भी पास हो गया है, तो एटलीस्ट एक बार मौका तो देना बनता है, दे देते हैं। तो परमिशन दे देता है कौन, जहांगीर रियलाइज करता है और परमिशन देता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड वाली थी वो बेस बना सकती है अपना सूरत में, तो 1613 में बेस बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। 1611 में इन लोगों को एक मौका मिलता है ट्रेडिंग पोस्ट बनाने का, और 1613 में परमिट मिल जाता है फैक्ट्री बनाने का, सूरत में बेस आराम से बना सकते हैं। 1611 में लोग परमिशन, उसको परमिशन मिल जाता है क्या एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाने का, पर 1613 में 2 साल बाद परमानेंट बेस बनाने का मौका मिलता है, ये जहांगीर दे देता है। सितंबर 1612 स्क्वाड्रन ऑफ 16 पुर्तगीज बॉक्स सेल इनटू सूरत, झगड़ा के कारण स्वाली, हाँ झगड़ा जो हुआ था ना स्वाली वाला, उसके कारण ये 16 पुर्तगीज स्क्वाड्रन सेल इनटू 16 टीम आया था पुर्तगीज का, 100 साल हो गए पैसा कमा काफी हो गया। 1612 में स्क्वाड्रन ऑफ 16 पुर्तगीज बॉक्स सेल इनटू सूरत, सूरत में ना 16 को भेजा जाता है कि जाओ जाओ अंग्रेज अपना कुछ प्रभुत्व जमाओ, उससे पहले कुछ करो। तो बैकग्राउंड ऑफ स्वाली, बैकग्राउंड क्या था स्वाली का, तो 1609 में एंट्री ऑफ विलियम हॉकिंस, एंट्री होती है विलियम हॉकिंस की, केम विद 2,50,000 गोल्ड कॉइन देता है, कहता है कि फॉर्म भरने का पैसा है मेरे पास। जहांगीर बोलता है कि ठीक है फॉर्म भर ले तुम, जब पैसा है 100 रुपया तुम्हारे पास तो भर ले फॉर्म, और क्वालिफिकेशन रखबे करता है तो एटलीस्ट अप्लाई तो कर दे, आधार कार्ड है उसके पास, वोटर आईडी कार्ड भी बन चुका था, और जो फॉर्म का चार्ज लगता है 100 रुपये जनरल से था, तो 100 रुपये चार्ज जो लगता है वो भी था उसके पास, तो उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया। और सवाली में झगड़ा हुआ, मतलब प्रीलिम्स दिया, तो उसको एक अच्छा खासा बेस भी मिल गया। जहांगीर को रियलाइज हुआ कि बच्चा तो बंदे में तो दम है। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया 10 गो जहाजी बड़ा लेकर के, कैप्टन थॉम्स बिस्ट आता है, और 16 सितंबर 1612 में एंट्री एट सूरत में एंटर करता है, वांटेड टू गेट जहांगीर परमिशन, और जहांगीर से परमिशन चाहता है कि मुझे भी व्यापार करने का मौका दो, नॉट लाइकली बाय गुजरात गवर्नर, वहां के गुजरात के जो गवर्नर था ना वो पसंद नहीं करता था, हेंस ही कैप्चर मेनी स्टेप इंग्लिश में, जो गुजरात का जो खान था वो ढेर सारे अंग्रेजों को कैप्चर कर लेता। देखो फर्स्ट फैक्ट्री बन जाती है सूरत में, हेंस एंड ऑफ पुर्तगीज यूरोपियन पावर, इसके कारण पुर्तगीज और यूरोपियो के बीच झगड़ा तो होना लाजमी था,
क्योंकि पुर्तगीज भी अपना बेस बना चुके थे और इंग्लिश भी बेस बना चुके हैं। गुजरात गवर्नर सरदार खान था उस समय, सरदार खान था मोहम्मद मुबारक खान था, मुबारक खान के बाद सरदार खान वहां का गुजरात का गवर्नर बनता है। द बैटल कंटिन्यू बिटवीन सितंबर टू दिसंबर 1612, सितंबर से दिसंबर 1612 तक बैटल कंटिन्यू होता है। जनवरी 1613 में कैप्टन बेस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द इंपीरियर जहांगीर, कहता है कि तुम भी अप्लाई कर रहा है, लो तुम्हें परमिशन दे देता हूँ। 1613 में कैप्टन बेस्ट को परमिशन मिल जाता है। जहांगीर रियलाइज इंपोर्टेंस ऑफ स्वाली, गिव परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेट अप परमानेंट बेस एट सूरत। 1613 में थॉमस एल्डवर्थ 1613 में थॉमस एल्डवर्थ को परमिशन मिल जाता है कि जाओ परमानेंट बेस बना लो अपना सूरत में और व्यापार करो मजे से, जाओ सिमरन अपनी जी लो जिंदगी। तो इस तरह से परमानेंट बेस बन जाता है उनका 1613 में। किनका? अंग्रेजों का, पुर्तगीज का तो पहले से ही बना हुआ था। फेज टू एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया 1612 से 1662। 1612 हो चुकी है अपना ट्रेडिंग, फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित कर चुके थे 1611 में, पर 1616 में साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम में फर्स्ट फैक्ट्री बनाते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री 1616 में साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम में बनती है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट 1611 में बनता है और सूरत में 1613 में परमानेंट बेस बनाते हैं। 1613 परमानेंट बेस, फर्स्ट फैक्ट्री 1611 ट्रेडिंग पोस्ट और फर्स्ट फैक्ट्री एट साउथ इंडिया मतलब दक्षिणी भारत में पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। इस तरह से हमारे कंप्यूटर की लाइट थोड़ी ऑफ हो गई थी, फिर से शुरू हो गई। हाँ, तो 1612 में जेम्स प्रथम, 1612 में जेम्स प्रथम सेंट्स सर थॉमस रो, 1612 में थॉमस रो को कौन भेजता है? जेम्स प्रथम भेजता है कि जाओ देखो तो कैसी स्थिति चल रही है मेरे चमचों की। वांटेड टू साइन अ ट्रीटी विद मुगल इंपीरियर बट नॉट पॉसिबल। 1612 में जेम्स प्रथम एक सर थॉमस रो को भेजता है जहांगीर के पास, कहता है जाओ मुगल इंपीरियर से बोलो कि हम ट्रीटी साइन करना चाहते हैं। कौन? फ्री ट्रेड वाली, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। हाँ, तो ये जेम्स प्रथम जो इंग्लैंड का शासक था 1612 में, वो चाहता है कि इंडिया के उस समय जो भारत के शासक थे, नाम था जहांगीर, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। पर जहांगीर को पता था कि मुझे नाचने और गाने वाले लोग आसपास भरे हुए हैं, मेरे पास चमचों के अलावा कुछ है नहीं। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो वो अपना सामान भर भर के यहाँ पे, अंग्रेज अपना जो भी जितना भी कचरा होगा, जितना भी सरप्लस प्रोड्यूस होगा, वो भारत में फ्लड कर देंगे, उनका मतलब बाढ़ ला देंगे अपने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट का। अब ऐसी परिस्थिति में भारत से जो वेल्थ होगा वो ड्रेन होगा। उनको पता था कि भाई फ्लड कर देगा, वो अपने कचरे का फ्लड कर देगा भारत में। ऐसी परिस्थिति में मुगल इंपीरियर साइन नहीं करना चाहते हैं, पहले तो मना कर देते हैं, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं हो पाता। Able to get trading rights in all parts of Mughal Empire. वो लोग चाहता था कि हमको ना जितना भी जहां जहां मुगल शासन है वहां पे हमको ट्रेडिंग राइट्स मिल जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियली क्रिएटेड अ फॉर्मल हायरार्की एट सूरत, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फॉर्मली हायरार्की क्रिएट कर देती है कि देख ये जो हमारा जो कंपनी है इसका मालिक है, ये उसका स्टाफ है, ये उप प्रधानमंत्री है, ये मंत्री है, ये केंद्रीय मंत्री है, ये राज्य स्तरीय का मंत्री है, ये फ्री स्वतंत्र प्रभार है इसके पास। तो अलग अलग प्रभार बांटे हुए थे, तो कंपनी में अलग अलग उस तरह से हायरार्की क्रिएट कर दी जाती है कि ये सीनियर, वो जूनियर, उसका जूनियर, वो उसका जूनियर। तो हायरार्की क्रिएट होने से एक सिस्टम बन जाता है, प्रशासन अच्छे से कामों का बंटवारा कर दिया जाता, सिंपल ही। 1625 में ब्रिटिश वर्सेज मुगल कॉन्फ्लिक्ट एट सूरत, सूरत में कॉन्फ्लिक्ट होता है ब्रिटिश और मुगल के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी पनिश बाय मुगल, और ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल पनिश करते हैं, मतलब जहांगीर पनिश करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1640 में जहांगीर मर गया और उसका बेटा आया, कौन, क्या नाम था उसका? शाहजहां।
1640 ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड द वॉर ऑफ शिवाजी एट सूरत नाउ शिफ्टेड फोकस ऑन साउथ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी को शिवाजी का थ्रेट सताने लगता है क्योंकि उस समय तक शिवाजी भी अपना प्रोमिनेंट एस्टेब्लिश कर चुके थे साउथ इंडिया में, खास करके महाराष्ट्र वाले इलाके में। 1632 ऑनवर्ड साउथ इंडिया फोकस, 1632 के बाद साउथ इंडिया को फोकस में रख करके चीज़ें शुरू होती है। शाहजहाँ 1628 से 1658 एक्सपेंशन ऑफ मुगल एक्सपेंड करना चाहता है। 1628 से 1658 तक शाहजहाँ का राज रहता है लगभग 30 साल। अब इस बीच में एक्सपेंशन करना चाहता है मुगल, मतलब शाहजहाँ एक्सपेंड करना चाहता है कि इंड ऑफ उधर बढ़ाए, साउथ इंडिया में भी अपना एक्सपेंशन करें, इंड ऑफ पुर्तगीज इन बंगाल। अब इसी समय पुर्तगीज का जो बंगाल में वर्चस्व था वो खत्म हो चुका था। 1632 में कुछ शाहजहाँ के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है पुर्तगीज का, कुछ महिलाओं को इलीगली ट्रेड कर रहा था, तो शाहजहाँ को पता चलता है कि यहाँ पे महिलाओं को ट्रेड किया जा रहा है, तो बुरा लगता है उसे और गुस्सा आता है और बोलता है कि यहाँ से दोबारा दिखना मत, तो पश्चिम बंगाल को बंगाल को छोड़कर लोग भाग जाते हैं, पुर्तगीज वहाँ दोबारा दिखते नहीं। 1632 ऑनवर्ड साउथ इंडिया फोकस, ठीक है, साउथ इंडिया में फोकस करते हैं अंग्रेज। गोलकुंडा, गोलकुंडा फरमान द ट्रेड फॉर एनुअल पेमेंट ऑफ 500 पगोड़ा, मतलब सस्ता नशा कर लिया होगा, गांजा वांजा लग रहा है, फूक लिया है, 500 पगोड़ा में ट्रेड करने का परमिशन देता है, गोल्डन फरमान जारी कर देता है, एकदम स्वर्ण फरमान कि भाई ये राजा का आदेश है, साल में 500 पगोड़ा दे देना, बाकी गोलकुंडा में जितना व्यापार करना करते रहो, टैक्स के नाम पे 500 पगोड़ा दे देना। तो इस तरह से उन लोग एक सोने की मुर्गी लग जाती है जो साल में एक बार अंडा देती है, 500 पकौड़ा पकड़ा दो और उसके बाद मजे से व्यापार करते रहो। 1633 में फैक्ट्री एट बालासोर, बालासोर हरिहरपुर उड़ीसा में है, तो यहाँ पे एक फैक्ट्री बनती है किसकी, अंग्रेजों की।